साइटिका एक ऐसी बीमारी जो सामान्य तौर पर 10 से 15 दिन में अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी इतनी गंभीर रूप से बढ़ जाती है कि इसमें किसी भी इंसान के जो बैक साइड में पेन स्टार्ट होता है और वो पेन इतना भयंकर बढ़ जाता है कि उन्हें चलने उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं साइटिका पेन के लिए आपको एक ऐसी देसी जो नुस्खे के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके लेने से आपका साइटिका का पेन जो है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइटिका का दर्द क्या होता है, साइटिका के दर्द के क्या लक्षण हैं। दोस्तों, साइटिका का जो दर्द है ये हमारे बैक जो कमर के पीछे बैक होती है हमारे, वहाँ से पेन स्टार्ट होता है और ये हिप से होता हुआ हमारे जो निचले हिस्से पैरों की उंगलियों तक जाता है। जब ये हमारी जो बेन जो किसी कारणवश हमारी दब जाती है या इसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसके कारण ये पेन इतना भयंकर हो जाता है कि इसमें असहनीय पीड़ा होती है और इसमें झनझनाहट होने लगती है। ये नस जो हमारी नर्व्स बोलते हैं ये किसी कारणवश दब जाती है या इसमें खून का दौरान कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेन बढ़ने लगता है और नसों में झनझनाहट सा महसूस होने लगता है और कभी कभी पैरों में सुन्नपन तक होने लगता है। तो आज मैं आपको साइटिका के इस पेन से बचने के लिए मैं कुछ आपको देसी जो जड़ी बूटियाँ या देसी नुस्खे के बारे में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही आसान है और हर घर की रसोई में मिल जाता है, जिसके करने से आपका साइटिका पेन 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये क्योर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें दोस्तों 5 से 7 कली लहसुन की ले लेनी है और इन्हें छील लेना है। छीलने के बाद इन्हें बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है और इसके साथ साथ दोस्तों हमें लेना है कोई 15 ग्राम के लगभग अदरक को भी छील लेना है और इन दोनों को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद हल्का हल्का धीरे धीरे इन्हें छेदते हुए 1 गिलास पानी में इन दोनों चीज़ों को बारीक बारीक काट कर उबाल लेना है। जब ये उबल जाए दोस्तों, उबालने के बाद इस पानी को हमें जब ये 1 गिलास का 1/4 गिलास रह जाए उबलते उबलते इसे छान लेना है और छान लेने के बाद सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना ये हमें सुबह सुबह खाली पेट पीना है। ध्यान रहे ये हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेना है, हल्का गुनगुना सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। दोस्तों, अगर हम इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत ही अनुभूति लाभ होते हैं। इससे हमारी जो नसें हैं उनमें खून का संचार बढ़ने लगता है, खून जो नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, ये ब्लॉकेज को भी यह नुस्खा दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है और जो हमारी नसों की झनझनाहट है या हमारी जो कमर में जो नस दबी हुई होती है और जिसके कारण से हमारा साइटिका पेन होता है या नसों में जो सुन्नपन की शिकायत है वो भी दूर होती है, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है नसों के लिए, साइटिका का पेन के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए भी, जॉइंट पेन के लिए भी यह नुस्खा बहुत ही कारगर है। तो सुबह सुबह खाली पेट हमें इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करना है। लेने का तरीका मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि 4 से 5 कली लहसुन की आपको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेनी है और उसके साथ साथ 5 ग्राम के लगभग लहसुन
आपको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है और इस जो ये मिश्रण है इस मिश्रण को एक गिलास पानी में उबाल लेना है और उबाल कर उस पानी को जब एक गिलास का पौन गिलास रह जाए उसे हल्का हल्का गुनगुना आपको पीना है। ध्यान रहे ये पानी आपको गुनगुना ही पीना है, ये ठंडा आपको फायदा नहीं देगा। इससे आपको जो साइटिका की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है, जो आपकी नर्व्स में झनझनाहट की शिकायत होती है, ये सारी समस्याएं में आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।